हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खूब अच्छे से होंगे और आप लोगों की दुआ से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैं भी खूब अच्छी हूँ। वेलकम टू माय एंड योर चैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ पहले ही लाइक कर दीजिए दोस्तों, आप लोग भूल जाते हैं तो। और न्यू अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और फ्रेंड्स, मेरा एक और चैनल है, ब्लॉग चैनल है, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं उसका नेम दे चुकी हूँ, आप लोग प्लीज़ वीडियो में ही देख लीजिएगा दोस्तों। और आज मैं बता जा फ्रेंड्स, आज मैं एक जादुई हेयर पैक बताने वाली हूँ। बहुत दिन बाद मैं ये वीडियो बना, मतलब कि बहुत दिन क्या, मैं खुद पे बहुत ज़्यादा ट्राई कर चुकी हूँ, उसके बाद सोची कि अपने फ्रेंड्स लोग से तो शेयर करना बनता है, तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये पौधा है, अड़हुल का फूल है, आप लोग तो पहचानते होंगे। तो ये मैं स्पेशली हेयर के लिए ही लगाई हूँ, क्योंकि यहाँ बंगाली एरिया है, यहाँ कोई ये फूल नहीं देता, क्योंकि वो लोग पूजा करते हैं इस फूल को, तो इसलिए मुझे ये लगाना पड़ा स्पेशली। तो ये मैं लगाई हूँ, तो यहाँ पर अभी देखिए छोटा सा पौधा है, बट माशाल्लाह से फूल ऐसा हो जाता है कि मैं लगा लेती हूँ। तो इस फूल को मैं तोड़ ली हूँ, अब कुछ पत्तियाँ तोड़ लूँगी। ये इतने फ़ायदेमंद फूल है, इतने फ़ायदेमंद, इसके साथ आप पत्ती भी ले लीजिए, बहुत अच्छा वर्क करता है हेयर पे। और मतलब कि हेयर का जितना भी प्रॉब्लम है आपका, तुरंत मतलब कि ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जैसे कि डैंड्रफ और हेयर लॉस हो रहा है आपको, तो उस पर भी हेयर को कंट्रोल करता है, उसके बाद फिर डैंड्रफ को फिनिश करता है। एक बार में नहीं करेगा, लेकिन हाँ दूसरा बार में गारंटी है कि कर देगा डैंड्रफ कंट्रोल। तो फ्रेंड्स, और हेयर फॉल जो होता है आपको, वो तो वन बार में ही आप अगर यूज़ करिएगा, वन यूज़ में ही, फर्स्ट यूज़ में ही आपको फ़र्क दिखने लगेगा कि इसका क्या फ़र्क है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं तोड़ कर ले आई हूँ, इसको अच्छी तरीके से धो लेना है, हर पत्ती को धो लेना है, उसके बाद फूल को धो लेना। आप फूल ज़्यादा ले सकते हैं, मैं यहाँ पे पत्तियाँ ज़्यादा ले ली हूँ, मुझे 4-5 पत्तियाँ लेना चाहिए था, और दो ही फूल हुए थे पौधे पर, इसलिए दो ही फूल मैं तोड़ ली हूँ। तो मेरे हेयर्स के लिए तो कम पड़ गए थे, बट क्या करूँ, फूल तो और था नहीं। और हल्का पानी देना है बस, मतलब कि अच्छे तरीके इसमें मिल जाए, क्योंकि पानी नहीं दूंगी तो इसमें ये तो पिसाएगा नहीं, तो इसलिए हल्का पानी देकर इसे मैं अब स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। मतलब ऐसा पेस्ट बनाना है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पेस्ट बन चुका है, देख लिए अच्छी तरीके से, उतना महीन नहीं होता है, फिर भी ये इस तरीके से पेस्ट होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो अच्छे तरीके से हो जाए। तो ये देखिए, तो अब मैं लगाती हूँ अपने हेयर्स पे अच्छी तरीके से। आप ऊपर बाल में ना लगाए चलेगा, बट आप स्कैल्प में ज़रूर लगाइए, स्कैल्प में लगाना बहुत ज़रूरी है। और एकदम अच्छे से हर रूट्स में आप लगा लीजिए, क्योंकि रूट्स से ही हमारा हेयर ग्रोथ होता है। तो रूट्स से ही, अगर डैंड्रफ है तो डैंड्रफ उठ जाएगा, और अगर हेयर फॉल हो रहा है तो वहाँ से आपके नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैं अपने सारे बालों पे लगा ली हूँ। फिंगर टिप्स, नाखून यूज़ मत करिएगा फ्रेंड्स, सिर्फ फिंगर से ही आपको, मतलब हल्का हल्का मसाज भी करते जाना और आपको पैक लगाते जाना। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं अपने पूरे बाल पर लगा ली हूँ, अच्छी तरीके से लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक और बात बोलना चाहती हूँ, ये ठंड में, अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, जिनको ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, वो प्लीज़ अभी ठंड में ना लगाएं, वो हल्का कम हो जाएगा ठंड, उसके बाद लगाएं, क्योंकि ये ठंडा हेयर पैक है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर जिनको ठंड लग जाती है उनको। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं हेयर वॉश करके आ गई हूँ, ज़्यादा देर नहीं, बस आपको हाफ आवर रखना है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर नहा के आ गई हूँ, हेयर्स मेरे इतने सिल्क हो जाते हैं सच्ची भी, इसको लगाने के बाद ना आपके हेयर्स एकदम सिल्की हो जाएंगे, नो कंडीशनर, मैं ऐसे भी कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ दोस्तों, तो बहुत अच्छा सिल्क हो गया है। तो ये देखिए, हल्के हल्के पत्तियाँ के तो पार्ट्स रहेंगे ही, उसे नो टेंशन है, सूख जाने के बाद आप मतलब कॉम्ब करिएगा, कॉम्बिंग करिएगा तो अपने आप हट जाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा हेयर सूख चुका है अच्छी तरीके से, ये देखिए कितना अच्छा से क्लीन किया है मेरे हेयर को। तो देखिए कितने अच्छे से क्लीन हुआ है मेरा हेयर, ये देखिए डैंड्रफ भी नहीं है, सब मेरा फिनिश हो गया है।
बहुत अच्छा हेयर पैक है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा लगेगा दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, आप लोगों को अगर आप लोग ट्राई करिएगा तो अगर रिज़ल्ट अच्छा दिया, रिज़ल्ट अच्छा देगा, 100% अच्छा देगा रिज़ल्ट, क्योंकि मैं ट्राई की हूँ फ्रेंड्स। और मैं ये देखिए यहाँ पे मेरा ना थोड़ा खाली खाली सा हो गया था, बहुत झड़ रहा था बाल, तो ये तो अभी थोड़ा थोड़ा रहेगा क्योंकि पत्ता वगैरह था ना। तो ये देखिए यहाँ पे हल्का हल्का ना खाली था मेरा, तो छोटा छोटा बाल देखिए, ये देखिए छोटा छोटा बाल, ये देखिए, ये यही हेयर पैक जब से लगा रही हूँ मैं तब से ये छोटे छोटे बाल मेरे निकल रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों, और मेरे साथ ज़रूर फीडबैक करिएगा कि आप लोगों को ये हेयर पैक कैसा लगा है। बहुत ही सुपर डुपर हेयर पैक है कसम से। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स यहीं पे मेरा वीडियो फिनिश होता है मेरा है, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ भर भर के लाइक दे दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। और कुछ बोलने में गलती हुई होगी या वीडियो में कुछ कमी लगी होगी तो उसके सॉरी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। Do you see the spark that I'm setting free? Does the beat take you over? You just